आषाढ़ कृष्ण, आज है आषाढ़ कृष्ण पक्ष तृतीया, विक्रम संवत 2077, और अभी हम हैं मध्य प्रदेश के डोंगरिया गांव के कृषक राम प्रसाद जामनी जी के घर पे। इन्होंने हमें बील अभी दिया, बील का शरबत हमें दिया था पीने के लिए। तो जैविक जीवन शैली विज्ञान के कार्यकर्ता हमारे अशोक सिहोले जी ने तत्काल कहा कि बेल तो अभी नहीं खाना चाहिए, आषाढ़ लग गया। और मैंने रुद्राक्ष के माला से इसकी जांच की तो बेल वास्तव में हमें नकारात्मक महसूस हुआ। उसका प्रयोग हमने जामने जी को करके बताया, फिर बेल का जो है शरबत पीने को मना किया। तो आइए इसका प्रयोग हम आपको दिखाते हैं। तो हम जामने जी को अब ये बेल का प्रयोग दिखाने जा रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में कहा है चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ आषाढ़े बेल। आषाढ़ में बेल नहीं खाना चाहिए, चैत में गुड़ बैसाख में तेल, जेठे पंथ आषाढ़े बेल, सावन साग न भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही, फागुन मिश्री। और जो है ये चीज़ अगर हम अगर खाते हैं तो हमको जो है हमारा जो स्वास्थ्य है वो ख़राब होता है। कैसे ख़राब होता है? क्योंकि इन महीनों में ये जो चीज़ें हैं ये निगेटिव हो जाती, नकारात्मक हो जाती है इनकी ऊर्जा। अभी बेल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ताकतवर है, लेकिन ये आषाढ़ में अगर इसको खाओगे तो ये नकारात्मक है। आपको जो है पेट की कई बीमारियां होंगी, आपकी ऊर्जा घट जाएगी, रात में ठीक से नींद नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, बुरे सपने भी आते हैं। क्योंकि एनर्जी घटने से जितनी शरीर में व्याधियां होती वो सब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी जो रोग प्रतिरोध क्षमता वो गड़बड़ हो जाती, तो स्वाभाविक हम बीमार होंगे। तो हमको जो जीवन देने वाला जो बेल है वो आषाढ़ में निगेटिव होने से अब ये हमारे लिए नुकसानदायक है, ये बात हमारे पूर्वज जानते थे, तब उन्होंने ऐसा बना दिया चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ आषाढ़े बेल, आषाढ़ में बेल नहीं खाना, ऐसा बता दिया। तो चलिए इसका प्रयोग हम करते हैं राम प्रसाद जामने जी से। जामने जी, ये बेल आपने कब तोड़ा है? ये करीब 7 दिन। हाँ, 6-7 दिन हो गए। इन्होंने जेठ में इसको तोड़ा था, उस समय तो पॉजिटिव रहा होगा, लेकिन अभी निगेटिव है। और अभी हम इसका प्रयोग हम करके दिखाते हैं जामने जी को। जामने जी हमारे जो है जैविक जीवन शैली विज्ञान के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, प्रतिदिन अग्निहोत्र भी करते हैं। देखिए अब इनकी ताकत, मैं इनको दबा रहा हूँ, इनकी ताकत जो है दोनों हाथ से मैं दबा रहा हूँ, इनकी ताकत जो है हाथ को मैं दबा नहीं पाया, ताकतवर हैं जामने जी। अभी हम इनको एक बेल पकड़ा देते हैं साथ में इसको, केवल यहाँ क्या होता है हमारे ऊर्जा का आने, ऊर्जा जो है हाथ के स्पर्श से जो है ऊर्जा घटती या बढ़ती है, क्योंकि ये हमारा जो है पंच जो कर्मेंद्रिय उसका एक भाग है। तो ये जो हाथ का जो मध्य होता है कर मध्य, ये मध्य जो है ऊर्जा को तुरंत पहचानती है और इससे ऊर्जा कम ज़्यादा का हमारा होता है। तो इन्होंने हाथ में ये पकड़ा हुआ है, अभी हम इनके हाथ को ये प्रयोग करते हैं। इनकी ताकत बढ़ी, बढ़ी कि घटी? लगाई ताकत जामने जी, घट गई जामने जी की ताकत, ये ख़त्म हो गई, कुछ नहीं है। इसको रख दो वापस, फिर रखिए, अब ये ताकत इनकी लौट गई। तो इस तरह देखिए, मात्र छूने मात्र से निगेटिव है। ये रुद्राक्ष के माला से ऊर्जा विज्ञान हम नापते हैं, तो ये रुद्राक्ष का माला भी बता रहा है, ये देखो उल्टा घूम रहा है। उल्टा घूमने का मतलब है कि ये नकारात्मक है। और कितना है देखिए, कितनी तेजी से माला घूम रहा है। तब देखिए ये लगभग जो है ये 50,000 जो एनर्जी वेव्स है, जो हमारा कैलकुलेशन है गणित, जो हमने एक एनर्जी का एक संख्या दी है कितनी है, उस आधार पर ये 50,000 एनर्जी वेव्स इसका माइनस बता रहा है। तो हमको ये आषाढ़ में सेवन नहीं करना चाहिए, यही सब आप लोगों को बताने के लिए ये प्रयोग हमने किया है। छूने मात्र से हमारी एनर्जी घट जाती है। आइए एक आध और प्रयोग करते हैं, किसी और को बैठा ले जरा, आप आओगे? आइए, आप चप्पल उतारिए। अभी हम देखो इनका एक प्रयोग, क्या नाम है आपका? दिनेश ठाकरे। दिनेश ठाकरे, आप मुझे जानते हो? नहीं, मुझे नहीं जानते। आप कहाँ रहते हो? आप डोंगरिया। अच्छा, मुझे नहीं जानते, चलिए हाथ मुट्ठी बंद करिए। अभी देखिए ये मुझे जानते नहीं है, देखते इनका प्रयोग जो है, मैं हाथ को दबाऊंगा, आपको रोकना है, ठीक है?
लगा तुम ताकत लगा कर रोको मेरे हाथ को। क्या नाम बताया? दिनेश जी, ताकत लगा रहे हैं, मैं इनके हाथ को दबा पाया लेकिन ताकत मेरी लगी है। अभी हम इनको ये पकड़ा देते हैं, फिर से वैसी करो, हाँ मुट्ठी बंद करो, वही ताकत लगा के रोको, ठीक है। अभी ये जो है रोक नहीं पाए, इनकी ताकत कमजोर हो गई। तुम आओ जरा बैठिए। इसकी ताकत भी बहुत जबरदस्त है, ये दोनों हाथ से मैंने पूरी ताकत लगाया। अभी देखिए, ये केंद्र से हमारा ये जो है कर्मेंद्रीय जो केंद्र है उससे, अभी देखिए इसकी ताकत, अभी भी इसकी खत्म हो गई, ताकत हो गई खत्म जी, है ना जी। तो अभी क्या होता है, हमको ये अषाढ़ में आप बेल बिल्कुल मत खाइए, किसी भी स्वरूप में नहीं खाना है, ठीक है। इसके बीजों का, लेकिन हम इसके बीज निकाल के और उपयोग कर सकते हैं बीज को उगाने में, तो बीज को अभी निकाल के रख लीजिए, धुल करके सुखा करके साफ, आषाढ़ के बाद हम बीजारोपण करके इसको लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।